वेलकम स्टूडेंट्स हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम एक वायर यानी तार की मोटाई नापेंगे एक आले के जरिए से जिसको स्क्रूगेज कहा जाता है जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं इस प्रैक्टिकल को हम इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए यानी क्या प्रैक्टिस चाहिए उसके बाद हम देखेंगे कि हम इस प्रैक्टिकल को किस तरीके से करेंगे और इसी दौरान हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे जिनकी मदद मतलब से हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो रिजल्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास तार की मोटाई क्या आई है जो कि हमने स्क्रू गेज से नापी है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या एपरेटस चाहिए होगा प्रैक्टिकल करने के लिए हमें एक तार चाहिए होगी जिसकी हमने मोटाई नापनी है और साथ ही हमें स्क्रू गेज चाहिए होगा जो कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं स्क्रू केज को पकड़ने के लिए एक हैंडल बना होता है जिसे यू शेप फ्रेम कहा जाता है जिसके दो हिस्से होते हैं एक हिस्सा स्टट कहलाता है और दूसरा कहलाता है सिलेंड्रिकल कहला नट सिलेंड्रिकल नट के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे स्क्रू कहते हैं और इसके ऊपर धागा लिपटा होता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्रू आगे पीछे हो सकता है और इसे आगे पीछे करने के लिए थिम्बल को घुमाया जाता है थिम्बल के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ नंबर लिखे हुए हैं ये असल में हमारे पास एक स्केल है जिसे मेन स्केल कहा जाता है और इसके ऊपर जो हमारे पास नंबर हैं, ये मिलीमीटर में होते हैं इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि जो थिम्बल है इसके ऊपर भी यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर लिखे हुए हैं ठीक है ये असल में हमारे पास इक्वल डिविजन हैं जो कि हमारे पास स्क्रू गेज में हंड्रेड है ठीक है यानी कि यहाँ पे हमारे पास हंड्रेड डिविजन्स मौजूद है और इस स्केल को कहा जाता है सर्कुलर स्केल या फिर थिम्बल स्केल और इसके साथ ही स्क्रू गेज का एक हिस्सा होता है जो कि कहलाता है रेजिट रेजिट को जब हम घुमाते हैं तो इसकी मदद से स्क्रू आगे पीछे होता है और फिर ये जो हमारे पास दरम्यान में यहाँ पे जगह मौजूद है ठीक है स्क्रू और स्टड के दरम्यान में यहाँ पे हम तार रखते हैं जिसकी हमने मोटाई नापनी हो यहां तक तो हमने को डिस्कस कर लिया है कि हमें क्या क्या चीजें जरूरत होंगी इसके बाद अब हम प्रैक्टिकल को करना स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल करते हुए सबसे पहले हम स्क्रू गेज की पिच को मैयर करेंगे से मुराद ये है कि हमने देखा था कि जब हम थिम्बल को रोटेट करते हैं यानी कि उसको घुमाते हैं तो यहाँ से जो स्क्रू है वो आगे पीछे जाता है तो हम ये देख सकते हैं कि जब हम थिम्बल को घुमाएंगे उसकी मदद से अगर स्क्रू इस तरह से घूमे कि वो एक रोटेशन कंप्लीट करे यानी कि उसका जो सिरा है वो एक रोटेशन कंप्लीट करे तो इस दौरान में स्क्रू के सिरे ने जितना डिस्टेंस यानी जितना सफर तय किया है उसको हम पिच कहते हैं अब पिच को मैया करने के लिए हम इस थिंबल को पांच दफा घुमाएंगे ठीक है यानी कि हम देख सकते हैं हमारे पास जो पहली रीडिंग है वो हमारे पास आई है जीरो और जब हमने इस थिंबल को पांच दफा घुमाया तो हमारे पास अब जो रीडिंग आ रही है मेन स्केल पे वो आ रही है हमारे पास फाइव मिलीमीटर mm. और कितनी दफा हमने थिम्बल को घुमाया हमने पांच दफा उसे Uh, रिवॉल्व गया फाइव तो पिच का फॉर्मूला होता है scale, के हमारे पास दैट मीन्स की जो पिच है वो हमारे पास आ जाएगी वन मिलीमीटर mm. इसके बाद अब हम स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे लीस्ट काउंट असल में एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि हमें बताता है कि स्क्रू गेज किसी तार की कितनी बारीकी से मोटाई नाप सकता है तो लीज काउंट फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो हमारे पास होता है लीज काउंट इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल पिच तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर डिविजन uh, का मैंने आपको बताया था कि वो हमारे पास है हंड्रेड ठीक है दैट मीन्स कि हम यहाँ पे लिख लेंगे कि लीज काउंट इक्वल है डिवाइडेड बाय मिलीमीटर जो कि हमें देगा लीज काउंट इक्वल्स टू एक मिलीमीटर अब हम स्क्रू गेज के अंदर जीरो एरर को फाइंड आउट करेंगे जीरो एरर मैकेनिकल एरर की एक फॉर्म है जहां पे हम ये देख सकते हैं कि अगर थिंबल स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ मैच ना कर रहा हो तो ऐसे एरर को जीरो एरर कहा जाता है जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जो हमारे पास सर्कुलर स्केल का जीरो है यानी थिम्पल स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के साथ मैच नहीं कर रहा मिल नहीं रहा इसीलिए हमारे पास इस स्क्रू गेज में जीरो एरर मौजूद है जीरो एरर के लिए हम यहाँ पे तीन केसेस डिस्कस करते हैं कि सबसे पहला केस हमारे पास ऐसा है जिसके अंदर जो हमारे पास थिम्बल स्केल है उसका जीरो मैच कर रहा है मेन स्केल के जीरो के साथ दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारे पास जीरो एरर है वो नील है यानी यहाँ पे हमारे पास कोई जीरो एरर नहीं है इसके बाद हम दूसरा केस देखते हैं जिसके अंदर जो थिम्पल स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के साथ मैच नहीं कर रहा यानी कि उससे पीछे है तो ये हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर है और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू सर्कुलर स्केल की मैच कर रही है मेन स्केल के जीरो के साथ वो कर रही है टू ठीक है यानी कि जो सेकंड डिवीजन है थिम्बल स्केल की वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे ठीक है और फिर उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से तो ये रिजल्ट uh, हमें दे देगा जीरो एरर जो कि हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर आया है पॉजिटिव पॉइंट जीरो टू मिलीमीटर इसके बाद हम थर्ड केस देखते हैं थर्ड केस में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास सर्कुलर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से आगे जा रहे है दैट मीन्स कि हमारे पास जीरो एर नेगेटिव है ठीक है तो इसको मे करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास सर्कुलर स्केल की नाइन्टी डिवीजन मैच कर रही है मेन स्केल के जीरो के साथ और हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डिविजन है सर्कुलर स्केल के ऊपर वो हमारे पास कितना है वो है हमारे पास हंड्रेड तो हंड्रेड में से 98 एट को माइनस करें तो हमारे पास आता है टू इस टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से तो हमारे पास जीरो एरर आ जाएगा जो है माइनस पॉइंट जीरो टू मिलीमीटर दैट मीन्स कि ये हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर आया है अब इसके बाद जो जो हमने वैल्यूज कैलकुलेट की थी वो हम अपने पास यहाँ पे लिखते जाएंगे कि जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास यहाँ पे स्क्रू गेज का आ रहा है पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर अब हमने अपने स्क्रू गेज का जीरो एरर भी यहाँ पे फाइंड आउट किया तो वो हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा है जो कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पॉइंट जीरो फाइव मिलीमीटर, ठीक है 0.05 जीरो हमारे पास जीरो आया है इसके साथ हम ऑब्जर्वेशन टेबल में देखते हैं कि अब हम तार लेंगे और उसे स्टड और स्क्रू के दरमियान में रखेंगे और इसकी मदद मतलब से अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास मेन स्केल है मेन स्केल के ऊपर क्या रीडिंग आ रही है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेन स्केल पे हमारे पास थ्री uh, रीडिंग आ रही है और फिफ्टी फाइव सर्कुलर स्केल की मैच कर रही है मेन स्केल के साथ ठीक है तो फिफ्टी फाइव का हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से और फिर रिजल्ट को हम ऐड करेंगे थ्री से तो हमारे पास जो ऑब्जर्व डायमीटर आ रहा है वो आ रहा है थ्री पॉइंट फाइव फाइव मिलीमीटर इसी प्रोसेस को फिर हम रिपीट करेंगे तार को ऊपर या नीचे करके यानी के तार को मुख्तफ जगह से अब हम रखेंगे स्टड और स्क्रू के दरमियान में फिर दोबारा मेजरमेंट्स लेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग आ रही है वो थ्री आ रही है जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग कोसाइड कर रही है वो करी है फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री को मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट से फिर एड किया थ्री में तो हमारे पास अब ऑब्जर्व टाइम है मिली में 3.53 पॉइंट mm. मिलीमीटर इसी तरह से हम और भी मेजरमेंट्स लेंगे और फिर उन सब मेजरमेंट्स को हम ऐड करेंगे जैसे कि हमारे पास यहाँ पे चारों के चारों वैल्यूज uh, हैं उनको ऐड करके डिवाइड करेंगे फोर से तो हमारे पास एवरेज ऑब्जर्व्ड डायामीटर आ जाएगा जो कि आएगा थ्री पॉइंट मिलीमीटर अब इसकी मदद से हम देखेंगे हमारे पास फाइनल डायमीटर यानी टू डायमीटर हमारे पास क्या आ रहा है टू डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए हम ऑब्जर्व डायमीटर में से जीरो एरर को प्लस माइनस करेंगे वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव एरर है या फिर नेगेटिव एरर है अब जो हमारे पास एरर आया था वो चूंकि हमारे पास पॉजिटिव एरर आया था इसीलिए उसे हम ऑब्जर्व डायमीटर में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे जब हम उसे माइनस करते हैं तो हमारे पास जो ट्रू डायमीटर यानी कि फाइनल डायमीटर आ रहा है वो आ रहा है 3.49 मिलीमीटर। mm. इसके बाद हम इसी फाइनल यानी ट्रू डायमीटर को इस्तेमाल करते हुए वायर का रेडियस फाइंड आउट करेंगे जो कि होता है डायमीटर डिवाइडेड बाई टू और डायमीटर हमारे पास है 3.49 मिलीमीटर mm, फोर उसे डिवाइड किया टू से तो हमारे पास रेडियस आ रहा है वायर का 1.745 मिलीमीटर mm. फिर इसी रेडियस को इस्तेमाल करते हुए हम तार की मोटाई फाइंड आउट करेंगे यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर फाइंड आउट करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है पाए आर स्क्वायर, इसके यूनिट्स होते हैं मिलीमीटर स्क्वायर जहां पे जो पाए है उसकी वैल्यू होती है ट्वेंटी टू डिवाइडेड बाई सेवन मल्टीप्लाई करेंगे उसे रेडियस के स्क्वायर से जो कि है वन पॉइंट सेवन फोर फाइव और इसके यूनिट होंगे मिलीमीटर स्क्वायर। तो आखिर में जो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर यानी कि जो तार की मोटाई है उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है नाइन पॉइंट फाइव सिक्स मिलीमीटर स्क्वायर।